हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो दो दिन वीकेंड था, हमारी वीडियोस आपको नहीं मिली। सो आज है मंडे एंड एज प्रोमिस्ड आ गई हमारी स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो आपके लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ थोड़ा बाहर की नॉइज़ को आप लोग इग्नोर करना, कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है अभी, तो कुछ दिन आपको डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हो सकता है। आई एम सो सॉरी उसके लिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है लर्न ट्रेडिंग ऑनलाइन ईजली, स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स निकालें मेरे साथ। सो आप जो पुराने व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि आप कैसे ईजिली ट्रेडिंग ऑनलाइन सीख सकते हो हमारे इस चैनल से। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हो, स्ट्रैटेजी हमने दे रखी है, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है स्ट्रैटेजी के, आप वहाँ से चेक कर लो या इस वीडियो के लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। तो फ्री स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी, बहुत ही एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी है। एंड ये स्विंग ट्रेडिंग की शीट भी हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग में, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ, जिसमें हम अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं और अपना टारगेट कैलकुलेट करते हैं इससे, राइट। तो ये शीट आप लोग के लिए ही है। जिन लोगों को ये शीट मिल गई है आप लोग यूज़ करें, जिन लोगों को भी नहीं मिली है, आप बचे हुए हो तो आप हमें कमेंट करो, हम फटाफट से आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। सो आपको ये यूज़ करनी नहीं आती है या आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता है तो आप एक बार स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखो। सो स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स निकालें मेरे साथ। तो आप लोग जो नए लोग हैं उनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि मैं डेली जो है आपके साथ ही वीडियो में स्कैनिंग करती हूं एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स निकालती हूं। आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे इसमें। तो पहले मैं स्टॉक्स निकाल के रखती थी एंड वीडियो बनाती थी, बट अब जब बहुत से लोगों ने फीडबैक दिया कि साथ में स्कैनिंग करने से उन्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है, तो हमने सोचा कि इसी को कंटिन्यू किया जाए। तो चलो दिखाती हूँ मैं कैसे स्टॉक्स स्कैनिंग करती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है। ये निफ्टी 200 की लिस्ट मैंने ओपन करके रखी है। तो आपको देखो लाइव मार्केट में इस तरह से एक एक स्टॉक्स आपको देखना है। एबीबी इंडिया में देखो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ये पीछे कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस था, तो इसमें हमारा अभी 1:2 नहीं हुआ है। अभी आप वेट करो, मैं चेक कर लेती हूँ वन सेकेंड। नहीं, थोड़े से के लिए बचा हुआ है हमारा 1:2, अभी नहीं हुआ है। तो आपको एग्जिट करना है, आपको टारगेट या स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है। अब आप 1:2 कहाँ से देखोगे टारगेट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 1:2 जो भी वैल्यू रहेगी आपको उसी वैल्यू पे आपको एग्जिट करना है। उसके पहले आपको किसी भी ग्रीड फियर किसी में भी आपके आके आपको एग्जिट नहीं करना है। एयू बैंक में मैंने कहा था कि यहाँ पे गैप है, इसलिए मैं इसको अच्छा सेटअप नहीं बोलूँगी जब तक ये गैप नहीं फिल हो जाता है। मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ ऐसे स्टॉक्स को। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आपको लाइव मार्केट में बस देखते जाना है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल पा रही होगी हमारी वीडियोस से। अगर कोई भी आपको कुछ भी सजेशन है या कुछ भी है तो आप हमें बोलो, या आप लोगों को कुछ और भी आपको चाहिए हमारे किसी और भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करो, या कोई डाउट हो रहा है तो वो भी आप कमेंट करो। देखो ABFRL में हमने बात किया था, यहाँ पे हमें रेड कैंडल ग्रीन कैंडल चाहिए, तो आज यहाँ पे हमें रेड मिल गई है। तो अब हम कल का वेट करेंगे, कल अच्छी सी हमें रेड यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन हमें मिल जाए यहाँ पे, देन आगे बढ़ते हैं। अंबुजा में देखो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ पे हमने लिया था तो अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो पैनिक होके सेल नहीं करना है, आप आराम से वेट करो, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक लीलैंड देखो कितना ब्यूटीफुल परफॉर्म किया हमारा, हमने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था काफ़ी अच्छा चला है स्टॉक। बट स्टॉक ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉसेज नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेज भी होंगे, बट रिस्क रिवॉर्ड आप जितना ब्यूटीफुली मैनेज करोगे उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल बनोगे। एंड प्रॉफिटेबल आप 100% बनोगे अगर आप इसको थोड़ा टाइम देते हो। अगर आप उस माइंडसेट से आ रहे हो कि आपको ओवरनाइट ग्रो करना है तो मैं कहना चाहूँगी कि तब स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये पूरा पेशेंस का गेम है, आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। लाइक आप किसी भी पढ़ाई करने जाते हो तो आप उस डिग्री में टाइम देते हो, सेम आपको स्टॉक मार्केट में भी टाइम देना पड़ेगा। बर्जर में देखो हमने बात किया था, यहाँ पे हमें रेड कैंडल चाहिए अच्छी सी, तो आज देखो काफ़ी अच्छी सी हमें रेड कैंडल मिली है यहाँ पे, ये देखो, देख रहे हो आप। तो आज एक बर्जर पेंट में आप शॉर्ट का सेटअप देख सकते हो, अगर आपको सही लगे, आपके पास कैपिटल अगर है तो आप देख सकते हो। मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना एंड वीडियो में एंड तक बने रहना, हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी देखेंगे। सो फर्स्ट हमारा हो गया बर्जर पेंट। यहाँ पे हमने बात किया था इस वाले कैंडल पे हमने एंट्री क्यों नहीं किया था, क्योंकि ये हैमर था, राइट। हैमर बुलिश कैंडल होता है, तो हमें एक बेयरिश कंफर्मेशन चाहिए था जो आज हमें मिल गया है, ये देखो इसमें।
तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। अगर आपके पास फ्यूचर्स में ट्रेड करने का कैपिटल, तो आराम से आप फ्यूचर्स में शॉर्ट करो। अदरवाइज आप कल के डेट में 5 या 15 मिनट्स पे आपको जो भी ट्रेड आपको मिले शॉर्ट का, आप उसमें शॉर्ट करोगे। क्यों शॉर्ट का ट्रेड देखोगे? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम जो है, डेली टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम होता है, उसने आपको शॉर्ट का सेटअप कंफर्म किया है। तो लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप शॉर्ट के ही सेटअप ढूंढो, गैन करोगे, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी होगी, आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो भारत डायनेमिक्स में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, कल का वेट करेंगे। यहाँ पे भी देखो हमने बात किया था ग्रीन कैंडल चाहिए, बट अगेन यहाँ पे रेड बन गई। अब कल का वेट करेंगे हम ग्रीन कैंडल बन जाए। सो आपको वो कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आया होगा। कल के डेट में आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जो भी शॉर्ट का सेटअप मिले आप वो कर सकते हो। अगर आपके पास फ्यूचर्स में ट्रेड करने का कैपिटल नहीं है, या फिर आप एकदम बिगनर हो एंड आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो भारतीय एयरटेल में यहाँ पे हमने बात किया था, हमें अच्छी सी ग्रीन कैंडल चाहिए, बट ये देखो शूटिंग स्टार बन गई है, राइट? तो अब हम इस पर एंटर नहीं करेंगे। हमें इस टाइप की हमको बॉडी वाली हमें चाहिए कल ग्रीन कैंडल। अगर मिलती है तभी हम सेटअप करें, हमें तभी हम एंटर करेंगे। कोई जल्दी नहीं करना है आपको, प्रॉपर आपका सेटअप हो, एकदम कन्विक्शन हो, ए क्लास सेटअप हो। ए क्लास सेटअप मतलब एकदम क्लीन सेटअप, एंड बी क्लास सेटअप मतलब थोड़ा 19-20 वाला जो सेटअप होता है वो बी क्लास सेटअप होता है, राइट? केनरा बैंक में देखो यहाँ पे हमने किया था एंटर, अभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है केनरा बैंक में, बट स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप एग्जिट भी कर देना, मेक श्योर करना आप एग्जिट करो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सिप्ला में देखो हमने बात किया था, सिप्ला में हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हो पाई एंड हमारा आप सेटअप भी ख़राब हो गया। तो 3 दिन तक हम वेट करते हैं एंट्री हमारी होने का, 3 दिन हो गया हमारी एंट्री नहीं हो पाई उसमें। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक एक आपको इसी तरह स्टॉक देखते जाना है बस। आप तो आपको आपने देखा ना, जो भी नए आप लोग जो हमारे साथ ऐड डेली हमारे साथ जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं, आपने देखा ना कैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स निकालते हैं, साथ में हम कैसे स्कैनिंग करते हैं। बट आप मेक श्योर करना आप पहले अपनी स्कैनिंग करना, देन हमारी वीडियोज़ देखना, अदरवाइज वो टिप बस ट्रेडिंग हो जाएगी, जो हम जो इस चैनल का मोटिव बिल्कुल भी नहीं है। आपको स्ट्रैटजी सिखा दी है, आपको शीट दे प्रोवाइड कर दी है, तो आप अपने से पहले स्कैनिंग करो, देन इस वीडियो को देखो, एंड आप पहले मत देखना इस वीडियो को। ओके देवयानी में देखो यहाँ पे हमें रेड कैंडल मिल गई है, तो हम कल का वेट करेंगे हमें ग्रीन कैंडल मिले यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले हमारी वीडियो एकदम नहीं देखना है आपको, आपको पहले अपनी स्कैनिंग करनी है, देन आपको अपनी हमारी वीडियो देखनी है। ओके ये देखो फोर्टिस में हमने देखा था, फोर्टिस में हमारा यहाँ पे देखो 1:1 हमारा अचीव हो गया है फोर्टिस में, बट आपको 1:2 पे एंटर करना है, राइट? गेल में यहाँ पे देखो हमने बात किया था ग्रीन कैंडल चाहिए, बट आज यहाँ पे रेड कैंडल बन गई है। अब कल का वेट करेंगे, कल एक लास्ट डे हम वेट करेंगे, फिर हमारा अगर नहीं मिलते तो हमारा सेटअप फिर वो ख़राब हो जाएगा। अभी तक अगर आपको सेटअप पे क्लैरिटी नहीं है, ये देखो हमने बात किया था ना कि यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ तो बहुत ही अच्छा ये सेटअप होगा। सो देखो ये कितना अच्छा सेटअप था कि ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं बनी एंड गैप अप हो गया। अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, ये ट्रेड आपका सेटअप ही ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे आज हमें बहुत अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती, जैसे ये कैंडल है इसी के टाइप, अगर हमें यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल मिल जाती तो ये हमारा काफ़ी अच्छा सेटअप था। मैंने पहले की वीडियोज़ में आपसे बात किया था, कल की वीडियो में, कल नहीं मतलब फ्राइडे की वीडियो में, कल तो हमारा मार्केट बंद था। सो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो एक हमारा ये है गुजरात फ्लोरो कैम, ये देखो अच्छा स्विंग है, सब कुछ है, बस एक चीज़ इसमें नहीं सही है। देखो इसी रेंज में प्राइस घूम रहा है, ये जो रेंज है इसी रेंज में देखो प्राइस मूव कर रहा है, राइट? सो सेटअप पे तो है इसलिए मैं इसका नाम दे दूंगी, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, बट प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना ऐसे ट्रेड आपको नहीं करना है। ऑलवेज आपको स्टॉप लॉस लगा के ही ट्रेड करना है, हमें हीरोबाजी नहीं दिखानी है, हमें प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे ही ट्रेड करना है। ये देखो एससीएल टेक में काफ़ी अच्छा ट्रेड था, बट यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छा ट्रेड था बट गैप डाउन की वजह से हमारी एंट्री नहीं हुई। तो इसमें आपको रिग्रेट नहीं करना है, आपको 1000 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कभी भी रिग्रेट नहीं करना है। मुझे भी आता है रिग्रेट, मुझे भी आता है, बट आपको इन सब चीज़ों को ट्राई करना है कंट्रोल करने का, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इमोशंस में बहेंगे ट्रेडिंग में, इमोशंस मतलब किसी भी तरह का इमोशन, देखो एचएल में यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल अच्छी से बनती है, अच्छी सी ग्रीन कैंडल, देन हमारा एक ही सेटअप पे हो सकता है कल के डेट में। तो हम मैं कह रही थी कि जितना ज़्यादा हम इमोशंस में बहेंगे ना ट्रेडिंग में, उतना हमारे लिए लॉस है। तो आपको ट्राई करना है कि आप एकदम रोबोट के तरह ट्रेड करो,
टोटली रूल बेस्ड, उससे आपको बाहर जाना ही नहीं है। कितने लोगों ने अभी अपना रूल नोट करके रखा है, ट्रेडिंग का रूल स्टेप वन क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, आप लोग कमेंट करो तो फटाफट से। कितने लोगों के पास उनका ट्रेडिंग रूल तैयार है, ट्रेडिंग प्लान तैयार है, क्योंकि बड़े बड़े जो लेजेंड्स हैं ट्रेडिंग के वो इसी की बात करते हैं। आपके पास रूल होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, आपको कहाँ पे एंट्री करना है, स्टेप वन आपका क्या होगा, स्टेप टू क्या होगा, आपका एग्जिट क्या होगा, राइट। इन्फोसिस में देखो यहाँ पे एक सेटअप बना है इस कैंडल पे, यहाँ पे एक सेटअप बना है। अगर आपको ग्रीन पे कन्विक्शन नहीं है तो आप वेट कर सकते हो रेड कैंडल का भी, बट ये स्विंग देखो बस दो ही कैंडल का स्विंग है, यहाँ पे आप देख रहे हो दो ही कैंडल का स्विंग है, तो इसीलिए मैं इसको एक क्लास सेटअप नहीं बोलूँगी। देन आगे बढ़ते हैं, इपका लैब में भी देखो कैंडल अच्छी नहीं बनी है, यहाँ पे हमने बात किया था अच्छी सी अगर रेड ग्रीन कैंडल बन जाए तो, आज देखो ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है। अब हम कल का वेट करेंगे, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। JSW में हमारी एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं, मैं फटाफट से अब आगे बढ़ती हूँ थोड़ा। LNT नहीं, LNT टेक नहीं, आपको इस तरह लाइव मार्केट में बस देखते जाना है, राइट। LTIM नहीं, लार्सन टू ब्रो नहीं। हाँ तो मैं कह रही थी कितने लोगों के पास प्लान रेडी है, आप लोग कमेंट करो, हमें पता, मैं ट्राई करूँगी उन लोगों के नाम भी लेने का वीडियोस में, क्योंकि काफ़ी बहुत बड़ी बात है अगर आप ट्रेडिंग प्लान अगर आपने प्रिपेयर करके रख लिया है तो। महिंद्रा में देखो हमने बात किया था, ये वाला हमारा टारगेट अचीव हो चुका, ये वाला 1:1:2, यस ये वाला भी हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। आप एक बार शीट से मिला भी लेना, शीट में अगर दो जो वैल्यू होगी आपको उसी पे एग्जिट करना है, एक रुपये अगर भी नीचे रहेगा तो आपको एग्जिट नहीं करना। लाइक अगर आपका टारगेट 500 है, 499 भी प्राइस चल रहा होगा तो आपको एकदम एग्जिट नहीं करना है। कभी कभी इस वजह से आपके स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे, बट इसी को आपको कंट्रोल करना है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नवीन फ्लोरिन नहीं, नेस्ले नहीं, रॉयल्टी नहीं, ONGC नहीं, ऑयल इंडिया नहीं, पेटीएम नहीं, PB फिनटेक नहीं, PI इंडस्ट्रीज में देखो हमारा यहाँ पे हमने जो शॉर्ट ट्रेड लिया था ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है। पेज इंडस्ट्रीज नहीं, पतंजलि नहीं, परसिस्टेंट नहीं, पेट्रोनेट नहीं, पिटेलाइट नहीं, इसी तरह एक एक आपको देखते जाना है लाइव मार्केट में। बहुत ही सिंपल है स्ट्रैटजी हमारी, बहुत सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं है कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए इसको एग्जीक्यूट करने में। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखो ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेड छोड़ा तो वो ट्रेड नहीं चलेगा, देखो यहाँ पे हमारा जो सेटअप पे ट्रेड था बट ये साइडवेज मूव कर रहा था तो हमने ये ट्रेड नहीं लिया था, बट देखो ये ट्रेड चला, तो ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं लोगे तो वो ट्रेड नहीं चलेगा। तो ये देख के भी आपको रिग्रेट नहीं करना है कि अरे यार मैं एंटर कर लेती या मैं एंटर कर लेता, नहीं, आपको जो जहाँ पे कन्विक्शन है आपको वहीं पे एंटर करना है, ओके। कभी कभी ऐसा भी होगा आपका स्टॉप लॉस हिट करके प्राइस टारगेट चला जाएगा, या आपका टारगेट 1-2 रुपए से बच जाएगा एंड स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं लाना है, आपको अपने रूल्स पे बिल्कुल स्टिक रहना है, एकदम उसको ब्रेक नहीं करना है। तब देखना आपको फिर लॉन्ग रन में आप 1-2 साल बाद आपको फिर आपको समझ में आएगा कि इसका क्या वैल्यू होता है, रूल्स पे स्टिक रहने का क्या वैल्यू होता है, आपको तब समझ में आएगा। आप पर्सनली इसका एक्सपीरियंस करोगे, आप करके देखो, आप टाइम दो पहले। बट ट्रेडिंग में हमें क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, हमें ओवरनाइट ही सक्सेस चाहिए होती है। पीसेस में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, हम वेट करेंगे रेड कैंडल का, तो हम ग्रीन कैंडल पे तो शॉर्ट करते नहीं है ना, तो रेड कैंडल का हम वेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हमें 2 ट्रेड मिले हैं, मैं दोनों के नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। एज ऑफ नाउ हमें 2 ही ट्रेड मिले हैं अभी तक। ये लिस्ट कंप्लीट कर लेते, आप अगर थोड़ा बिगनर हो तो आप भी निफ्टी 200 पे स्टिक रहो, बट थोड़ा अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप निफ्टी 500 की लिस्ट भी स्कैन कर सकते हो, बट बिगनर हो तो मैं बोलूँगी पहले निफ्टी 200 में स्टिक रहो, पहले प्रॉफिटेबल बनो। एंड वन मोर थिंग, अभी निफ्टी का ट्रेंड जो है उतना क्लियर नहीं है, तो अग्रेसिव बाई नहीं करना है आपको बिल्कुल भी, अग्रेसिव बाई करने से आपको बचना है, ओके। विप्रो में देखो हमारा पोजीशन ऑलरेडी ओपन है एक, तो अभी अग्रेसिव एकदम बाई नहीं करना है, प्रॉपर आपको अगर आपका 1% रिस्क जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये 1% नहीं लेके आपको 0.5 या 0.3% रिस्क से साथ ही आपको काम करना है,
क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड अभी एकदम क्लियर अप ट्रेंड नहीं है, राइट। जब निफ्टी अप ट्रेंड क्लियर रहता है तो आराम से आप 1% रिस्क लेके ट्रेड करो। जैसा यहाँ पे इतने ये जो था इतना दूर जो निफ्टी मूव कर रहा था, ये जो था क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा था निफ्टी, बट ये देखो डिफरेंस दोनों में आपको समझ में आ रहा है, तो ये बहुत ही वोलाटाइल है। तो अभी आपको इसीलिए 0.3%, क्योंकि क्लियर अप ट्रेंड हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेंड क्या है निफ्टी का, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, कभी फॉल हो रहा है कभी अप जा रहा है, तो इसीलिए अभी आपको 0.3% रिस्क पे करो काम करो। एंड देखो निफ्टी में यहाँ पे जो हमने बाई लिया था वो हमारा अभी स्टिल ओपन है, या तो ये अपर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करने जाएगा, या तो यहाँ से ये फॉल होके लोअर ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, या उसके भी नीचे आ सकता है। अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो देन ये फिर यहाँ पे आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। सो आपको बस वेट एंड वॉच करते जाना है। बैंक निफ्टी में भी एक बार देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी भी इस ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे से चैनल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है। सो आपको बस चार्ट पे जो दिखे उसको फॉलो करते जाओ। यहाँ पे आपने जो बाई किया था वो आपका टारगेट अचीव हो गया था। तो डन फॉर द डे। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है आप लोग फटाफट से कमेंट करो, कुछ भी अगर डाउट हो तो वो भी आप फटाफट से कमेंट करो, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को जितनी जल्दी जल्दी हो सॉल्व करने का। एंड ये शीट बिल्कुल फ्री है, ये सब ट्रैप में नहीं फंसना, पेड वगैरह हमारा कुछ भी इस चैनल पे कुछ भी सर्विस आपके लिए पेड नहीं है, सब कुछ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सो इस सब ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, ओके। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।